वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का मसाला किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी। कद्दू को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तीन हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तीन साबुत सूखी मिर्चें, एक बड़ा चम्मच हमने पचफोड़न मसाला लिया है। पचफोड़न मसाले में सौंफ, राई, जीरा, मेथी दाना और कलौंजी, ये हमने लिया है। कसूरी मेथी यानी कि मेथी के सूखे पत्ते। बाकी सूखे मसाले हम सब्जी बनाते टाइम डालेंगे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों का तेल धुआं आने तक पकाएंगे ताकि तेल में कच्चापन ना रहे। अचार में डालने वाला ये मसाला है। थोड़ा थोड़ा हमने सारे मसाले लिए हैं, पांच किस्म का मसाला है। एक चम्मच, बड़े चम्मच से एक चम्मच भर के है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे मसाला। इसमें डालेंगे हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें डालेंगे कद्दू, कद्दू को हम फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे मिर्ची, साथ में इसको फ्राई करेंगे। तीन से चार मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि हमारा कद्दू सॉफ्ट हो जाए। देखिए तीन से चार मिनट हो चुका है, कद्दू भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अचार के मसाले की खुशबू, खड़े मसाले की बहुत ही बढ़िया आ रही है। हींग का फ्लेवर इसमें। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो से तीन मिनट फिर से ढक के पकाएंगे ताकि कद्दू हमारा अच्छे से गल जाए। आप चाहे तो खड़े मसाले को हल्का सा भून के पाउडर बना के डाल सकते हैं। दो मिनट हमने फिर से पकाया। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच ड्राई मैंगो। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके। अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। कद्दू का हमने छिलका उतार लिया था, आप चाहे तो छिलके के साथ बना सकते हैं। एक से डेढ़ मिनट और पकाएंगे ढक के। एक से डेढ़ मिनट हो चुका है, सब्जी हमारे तैयार है बनके। इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया को मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, सब्जी हमारी बनकर रेडी है। मीडियम फ्लेम पे हमने पकाया है सब्जी को, आप भी मीडियम फ्लेम पे पकाएं। और हमारी ये कद्दू की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।